नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो MIS का अकाउंट होता है। MIS के अकाउंट में जब जॉइंट अकाउंट आप ओपन करते हैं या फिर सिंगल भी अकाउंट है लेकिन उसके लिमिट से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो गए हैं, तो ऐसे केस में जब वो डिस्क्लोज़र कर देता है डिपॉजिटर या फिर जॉइंट अकाउंट उसकी डेथ हो जाती है किसी एक होल्डर की, या फिर ऑब्जेक्शन अगर रेज करते हैं SBCO से, तो ऐसे अकाउंट को कैसे ट्रीट करेंगे। और जो जॉइंट अकाउंट होता है जिसकी डेथ हो जाती है, जो प्रोसीजर HIN TTM में दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या उसमें क्लेरिफिकेशन आनी चाहिए, क्या उसको पूरे अकाउंट को सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए कि जो सर्वाइवर है उसको तो पूरा MIS का इंटरेस्ट रेट मिले और जो डिपॉजिटर जिसकी डेथ हो गई है उसको SB रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो सबसे पहले दोस्तों वो प्रोसीजर डिस्कस करेंगे जो POSB रूल्स में है, POSB मैनुअल में दिया गया है। पहले उस प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, बाद में उस पर डिस्कस करेंगे कि क्लेरिफिकेशन उसकी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये है प्रोसीजर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजर ऑफ MIS अकाउंट। MIS अकाउंट को क्लोज करना है किस केस में, जब डिपॉजिट की जो है एक्सीड्स लिमिट हो जाएगी ड्यू टू डेथ ऑफ जॉइंट होल्डर, यानी कि जॉइंट होल्डर में से कोई एक जो है जिसकी डेथ हो गई, या फिर डिपॉजिटर आके बताता है उसके कहीं जो है लिमिट से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो रखे हैं, या फिर ऑडिट में उन पर ऑब्जेक्शन आता है, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है जो HIN TTM में दिया गया है। तो इसमें दोस्तों ये प्रोसीजर दिया गया है, आपको HIN TTM में जाके जो इंटरेस्ट की रेट है उसको मॉडिफिकेशन करनी है। उसमें जो MIS का इंटरेस्ट रेट होगा उसको चेंज करके SB रेट आपको वहाँ पे डाल देना है। तो चलिए पहले प्रोसीजर देख लेते हैं क्या है। देखिए, काउंटर PA को पहले रन करना है सिस्टम HIN TTM, ये मेन्यू वहाँ पे मेन्यू शॉर्टकट में टाइप करके, उसके बाद में वहाँ पे मॉडिफाई सेलेक्ट करना है। एंटिटी टाइप में आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और एंटिटी ID में आपको आपका MIS का अकाउंट नंबर, उसके बाद में आपको गो पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपको इंटरेस्ट टेबल कोड दिखेगा, वो MIS का दिखेगा, TDMIS करके आपको वो ऐसा इंटरेस्ट टेबल कोड दिखेगा। आपको उसको चेंज कर देना है जो कि ये बता रहे हैं, SBRAT से रिप्लेस कर देना है। चाहे तो आप सर्चर से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको वहाँ से बैकस्पेस से डिलीट करके SBRAT ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट डेट आपको दिखेगी, स्टार्ट डेट में अकाउंट ओपनिंग डेट दिखेगी। आपको यहाँ पे लिखनी है स्टार्ट डेट जो ये बता रहे हैं कि जिस दिन किसी डिपॉजिटर की डेथ हुई है उसकी डेट ऑफ डेथ से नेक्स्ट डे, मान लीजिए 3/4/2021 को डेथ हुई है, तो आपको वहाँ पे डेट लिखनी है 4/4/2021 और एंड डेट 31/12/2099 ही रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है और सुपरवाइज़र में HIN TTM में जाके उसको वेरीफाई करना है। एंटिटी टाइप में अकाउंट्स और वही एंटिटी ID में आपका MIS अकाउंट नंबर, गो पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देना है और सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। चलिए फिनेकल में आपको दिखा देता हूँ कैसा ये प्रोसीजर होगा। दोस्तों HIN TTM डालने के बाद में फंक्शन में आपको देखिए मॉडिफाई सेलेक्ट कर लेना है, तो मॉडिफाई लेंगे, उसके बाद एंटिटी टाइप आएगा। एंटिटी टाइप में आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है और एंटिटी ID में MIS का अकाउंट नंबर। तो उसके बाद आपको जब गो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपको देखिए इंटरेस्ट टेबल कोड लिखा होगा, यहाँ पे आपको SBRAT लिख देना है या फिर सर्चर पे जाके उसको सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे देखिए आपको स्टार्ट डेट दिखेगी, स्टार्ट डेट में आपको जो अभी बताया प्रोसीजर उसके हिसाब से जिस डिपॉजिटर की डेट ऑफ डेथ जो हो गई है उससे नेक्स्ट डे आपको वहाँ पे लिख देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद में इसी मेन्यू में उसको वेरीफाई करवा लेना है। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं क्या ये तरीका जो इसमें बताया गया है वो कैसे उस पर लागू होगा, क्या वो क्लेरिफिकेशन उस पर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब इसमें इंटरेस्ट की मॉडिफिकेशन करेंगे तो पूरे अकाउंट में इंटरेस्ट की मॉडिफिकेशन होगी, यानी कि जब उसको जिस डेट से आप डालेंगे उसमें SB रेट, तो उसी डेट से उसको SB रेट का इंटरेस्ट मिलेगा। उससे पहले जो MIS था वो उसमें पहले पेड हो चुका है, तो अगर रिकवरी आनी होगी तो उससे वो ऑटोमेटिक रिकवरी कर लेगा। लेकिन जो आपने डेट ऑफ डेथ से नेक्स्ट डे उसमें डाला है तो पूरे अकाउंट की दोस्तों उस पर डेट ऑफ डेथ से नेक्स्ट डे से लेकर उस पर SB रेट के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी।
तो उस केस में दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, जिस केस में जो है डिपॉजिटर या तो खुद डिस्क्लोजर कर देता है या फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन निकालता है कि इसके जो अकाउंट्स हैं एमआईएस के वो लिमिट से ज़्यादा के अकाउंट हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों बिल्कुल उसको एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसके बाद में। लेकिन दोस्तों अगर बात करें जॉइंट होल्डर की डेथ की, अगर जॉइंट होल्डर की डेथ अगर हो जाती है और उसमें जॉइंट होल्डर की डेथ से हम लोग नेक्स्ट डे उसमें डालते हैं तो उस डेट से पूरे अकाउंट की मॉडिफिकेशन हो जाती है, पूरे अकाउंट को जो है एसबी रेट के इंटरेस्ट से उसको पैसा जो है पेमेंट होती है। लेकिन जो उसमें एक डिपॉजिटर बचा है उसकी जो लिमिट थी 4.5 लाख तक की, उस लिमिट पे तो उसको जो एमआईएस का इंटरेस्ट है वो मिलना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट रेट की मॉडिफिकेशन पूरे अकाउंट पे हो गई है, इस वजह से उसको भी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो ये दोस्तों ये ठीक नहीं है, लगता है इस पर कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। तो इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट की जो मॉडिफिकेशन होगी वो जो कुछ अमाउंट जो एक्सीड होगी उसकी लिमिट से, सेकेंड होल्डर जो बचेगा जो अभी सर्वाइवर है उसको एमआईएस का इंटरेस्ट रेट मिलता रहे और जो इतनी लिमिट है यानी कि डिपॉजिटर जिसकी डेथ हुई है उसको एसबी रेट का इंटरेस्ट उसमें मिल जाए। अगर ऐसी कोई मॉडिफिकेशन होती है अकाउंट में तो वो अगर बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर ये HIN TTM इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो वो उसको एमआईएस का जो इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिलता है। पूरा जो डेट ऑफ डेथ आप डालेंगे उससे पूरा जो अकाउंट है उसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी और जो सर्वाइवर है उसको भी एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो ये लगता है इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें आनी चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। तो उम्मीद है इस पर कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन आ जाएगी, या तब तक के लिए बेटर ऑप्शन जो है दोस्तों मेरे को वही लगता है कि इसको अकाउंट को जो है मैच्योरिटी के बाद वो अगर आके क्लोज करवाएं तो आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इसमें करें, जो एक्सीड उसकी लिमिट हो जाती है उस लिमिट पे जो एक्सीड हो चुकी है उस पे आपको एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है मैनुअल कैलकुलेशन करके, और जो उसकी 4.5 लाख तक की लिमिट थी उस पे उसको आपको एमआईएस का इंटरेस्ट देना है, और जो बाकी का जो एक्सेस पेड हुआ है पूरे पीरियड के लिए उसकी आपको रिकवरी करनी है। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।